मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुद के लिए कहता हूँ आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक वीडियो ऐसा है जो मुझे बार 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 देखना चाहिए। मैं भाविन जेशा, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज का वीडियो 100% मुझे लागू पड़ता है, जिसका टाइटल है 7 पेन्स ऑफ इम्पेशेंट पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति अधीर है, जो व्यक्ति उतावला है, जो व्यक्ति को सब कुछ इंस्टेंट करना है, वो व्यक्ति के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पेन्स हैं जो उसको और दुखी करते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे में था। मैं आज भी अपने आप को वर्क इन प्रोग्रेस कहता हूँ। अगर आपको अपना टेस्ट करना है कि क्या मैं इम्पेशेंट हूँ, क्या मैं अधीर हूँ, ये 7 पॉइंट्स देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। ये 7 पेन्स फील करिए, आपको दिख जाएगा कि क्या सही में मैं इम्पेशेंट पर्सन हूँ या नहीं हूँ। सो विच आर द 7s, नोटबुक पेन पैड ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। पेन नंबर 1, यू हेट पीपल हु वर्क स्लोली। क्या आपके आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे स्लो काम करते हैं? वो सब्जी काटना हो, या वो किसी कस्टमर को फ़ोन करना हो, या कोई प्रिंट निकालनी हो, या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह रखनी हो, और आप इरिटेट होकर अपने हाथ में वो काम ले लेते हैं, उसको कहते हैं तो कितना ढीला है, कितना ठंडा है, कितना स्लो है। क्या ऐसा आप करते हैं तो आप इम्पेशेंट हैं, आपके अंदर वो धीरज नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। जस्ट चेक इट आउट। पेन नंबर 2, योर ब्लड रिचेस बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 2 मिनट्स टर्न्स इनटू 30 मिनट्स, यानी कि कोई 2 मिनट का कहकर 30 मिनट तक, एटलीस्ट 10 मिनट पर तक भी नहीं दिखता है, और आप अंदर से हील जाते हो, क्योंकि आपके लिए 2 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट, और आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, और वो व्यक्ति अपनी लाइफ मस्ती से धीरे से जी रहा है। वो कोई एम्प्लॉई हो, आपके जीवन साथी हो, या आपका कोई कलीग हो, क्या 2 मिनट का थोड़ा समय भी ज़्यादा हो जाए तो आप इरिटेट हो जाते हो? देन इट इज़ अ पेन फॉर यू बिकॉज यू आर इम्पेशेंट। पेन नंबर 3, यू प्रैक्टिकली हेट लॉन्ग क्यूज। कोई लंबी लंबी लाइन में रुकाए, आपको खड़ा रखे, आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लीव इट, जो होगा देखा जाएगा, ये किसी और को आप खड़े रख देते हो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो क्या आप ये पेन को महसूस कर रहे हो तो आप इम्पेशेंट हो। मान लीजिए कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आपने ली है, और अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको बुलाया है, फिर आपको 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा बैठना पड़ता है, वो आपकी कैसी जाती है, अंदर से क्या विचार आते हैं? दिस इज इम्पेशेंस। पेन नंबर 4, यू गेट मैड व्हेन पीपल टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू रिप्लाई योर टेक्स्ट। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपने टाइम पे आपको जवाब देगा। इश्यू वो नहीं है, इश्यू वो है कि व्हाट्सएप पे वो देखने के बाद, ब्लू टिक होने के बाद भी वो जवाब नहीं देता है, तब हम इरिटेट होते हैं, हम इम्पेशेंट होते हैं, हम सामने वाले को अप्रोच करते हैं, उसको कैसे भी करके हम आंसर लेने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, देना नहीं देना उसकी मर्जी की बात है, तूने कर दिया, बात खत्म। दिस इज अ पेन फॉर इम्पेशेंट पर्सन। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि 3 पॉइंट और बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। पेन नंबर 5, यू सेट अ डेडलाइन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप फ्लो विद द फ्लो नहीं चलते हैं, आप टास्क ड्रिवन, आप गोल ड्रिवन, आप कैलेंडर ड्रिवन जीवन जीते हो। आपके जीवन में अगर कोई टास्क नहीं है तो आप अपसेट हो जाएंगे, आप डाउन फील करेंगे, आपको ऐसा होगा कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया है। आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ती है हर एक काम के पीछे, तो समझ लीजिए कि आप इम्पेशेंट, अधीर हैं।
लाइफ में हर एक चीज़ ऐसा नहीं होता है। कई बार कई समय आपको समय के साथ चलना पड़ता है, लोगों के साथ चलना पड़ता है, स्लो डाउन होना पड़ता है। इज अ वेरी बिग पेन। नंबर सिक्स, सोल ड्राइव्स टिक यू ऑफ। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई बाजू में स्लो चला रहा है, तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं उठ के ड्राइविंग सीट पे आ जाऊं? क्या आप उसको कहते हैं तू जल्दी चला, तू क्या कर रहा है? क्या इरिटेट हो जाते हैं? दैट इज़ अ साइन ऑफ इम्पेशेंट पर्सन, दैट इज़ अ साइन ऑफ अधीर। आपके अंदर धीरज नहीं है। द लास्ट पेन, स्पीड गिव्स यू थ्रिल। हर एक चीज़ आपको स्पीड में चाहिए। एवरी थिंग यू वॉन्ट टू डू इन स्पीड विथ टाइम टेबल। इतना समय में ये सही है। समय ज़्यादा हो और काम कम हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू लव स्पीड। वो व्हीकल चलाना हो, वो डिसीजन लेना हो, वो स्पीच देनी हो, वो कोई एक्शन लेना हो, देन यू आर इम्पेशेंट। इसमें से कई पॉइंट्स मुझे लागू पड़ता है, इसलिए मैं बोलते बोलते सोच में खो जाता हूँ कि भावेन तू कहाँ है। बट लेट मी टेल यू, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि मुझे पता है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, जितने लोगों को भी ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आते हैं, मेजोरिटी पीपल दे लव स्पीड, दे लव थ्रिल, दे आर इम्पेशेंट। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना बने। सो आप कहेंगे करना क्या है? जस्ट स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन इन एवरीथिंग। मेरे मेंटर, मेरे कोच मुझे कहते हैं भविन तू खाना धीरे खा, तू गाड़ी धीरे चला, तू जो भी बोले वो धीरे धीरे बोल, बिकॉज यू नीड पेशेंस। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यह वीडियो आपको कैसा लगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट कौन सा है और आप क्या एक्शन लेंगे, बिकॉज दिस वीडियोज़ आर गोइंग टू लर्न यू समथिंग, नॉट जस्ट गिव यू इन्फॉर्मेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।